बाबर सेल्फिश इनिंग खेलता है, कल शिनाका का सोजिंग कॉर्न में यस हमने रोक लिया, इट वुड बी अ इजी चेस फॉर पाकिस्तान, यस बिकॉज न्यूजीलैंड छुआरे लेने आए हैं। रिजवान फंसा हुआ था स्वीप में, सेंथरन का खत्म होता है तो सोडी को करते हैं, ब्रेसवेल का खत्म होता है तो इसको करते हैं, उतनी देर में उनका रिदम आया और बैट्समैनों को बिल्कुल फंसा के रखा था, बैट्समैन बेबस हुए थे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे कि बॉल तो ये कुछ नहीं कर सकता, बाउंसी विकेट हो तो ये कुछ नहीं कर सकता, इसको कागज और पेपर पे जो किंग बनाते हैं उनके जाती मफादात हैं, वो रीजनल कार्ड प्ले करते हैं, देखो परसों मैंने इसे बचा लिया, तू से खेल लेते। रिजवान और बाबर 21 लीगल ओवर, 126 लीगल डिलीवरीज में 86 डॉट बॉल खेलने वाली टीम कैसे 250 से ऊपर का रिकॉर्ड चेस कर सकती है रन? खेलते रहे ऐसा लग रहा था कि बस अपना ही खेल रहे हैं और साथ उनका निभाने वाला कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था और एट द एंड जब आप मैच को फिनिश नहीं कर पाए, एक टाइम पर जब आपके दो तो रिजवान और बाबर ने मैच को इतना स्लो कर दिया। स्पेशन करनी होती है, यही नहीं कि बस बाकी जो है वो सब बहने बन के जो है कभी मेहंदी लगा के बैट पकड़ने के लिए आ जाते हैं, आज तो उन्होंने पैरों में भी मेहंदी लगाई हुई थी हमारे, मेरे ख्याल में कोई दो तो रन आउट हुए हैं, रन आउट से हमारी जान कब छूटेगी यार। खैर नमाज ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग के ऊपर कर देते, मैं मेरे ख्याल में कोई 9000 वीडियोस। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके भाई का चैनल कल्ली मीडिया लेटेस्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों बात करें तो दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने पाक को दी करारी मात, सीरीज में की बराबरी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में मेहमान कीवी टीम ने पाकिस्तानी टीम को 79 रनों की करारी शिकस्त देकर सीरीज बराबर की और बाबर की टुक टुक अप्रोच और रिजवान की टुक टुक अप्रोच की बदौलत पाकिस्तान टीम ने एक और हार अपने नाम कर ली है और न्यूजीलैंड दूसरा वनडे जीत गया और सीरीज अपने बराबर कर ली है और पाकिस्तान की टुक टुक अप्रोच ने पाकिस्तान को मरवा दिया। इस पर पाक मीडिया बहुत गुस्से में है और बाबर को कह रहे हैं, बाबर सिर्फ कागजी कहेंगे और कुछ नहीं कर सकता, वो अपने लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाबर सेल्फिश इनिंग खेलता है, कल शिनाका का 100 आया लूजिंग कॉर्न में, आज 79 अकेला खेल रहा था, अगर सलमान 100 के स्ट्राइक रेट प्लस पे गिर रहा उसे रन आउट करवा दिया, वसीम जूनियर ने अपना विकेट सैक्रिफाइस किया रन आउट करा दिया, नवाज उसमें जब इनिंग्स ब्रेक हुआ यस हमने रोक लिया, इट वुड बी अ इजी चेस फॉर पाकिस्तान, यस बिकॉज न्यूजीलैंड छुआरे लेने आए हैं। इजी तो नहीं कहा था उसने, कहा था इट वुड बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड चेस, अब देखिएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें चला गया भाई 20 ओवर 60 रन, ये क्या चल रहा था, ऐसा भी क्या हो गया यार, टुक 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 एंड पे वो जो 40-50 रन का जो डिफरेंस आपने डलवा दिया था वो आपसे पूरा ही नहीं हो पाया, पहले रिजवान और बाबर, फिर बाबर भी मतलब 80-85 गेंदे 90 गेंदे 50 एंड पे जाके एक्सिलरेट थोड़ा सा किया साथ ही आउट हो गए। बैट्समैन जैसे बैटिंग कर रहे थे, रिजवान फंसा हुआ था, स्वीपे मारता डोमिनेट करता है स्पिनर्स को, अच्छा खेलता है स्वीप जैसे सरफराज खेलता है ऐसे ही रिजवान खेलता है जब सेट हो जाता है, लेकिन वेट कर रहे थे कि सेंथरन का खत्म होता है तो सोडी को करते हैं, ब्रेसवेल का खत्म होता है तो इसको करते हैं, उतनी देर में उनका रिदम आया और बैट्समैनों को बिल्कुल फंसा के रखा था, बैट्समैन बेबस हुए थे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे कि स्वीपे मारें कोई निकल के मारने जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, अंडर प्रेशर बैटिंग कर रहे थे, फिर आउट हो गए हैं रिजवान आउट हुआ है, उसके बाद फिर हारिस वेल आउट हुआ है, सलमान अली आगा ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, जब आप इतना खेलते हो तो अपनी टीम को फिर जितवा के बाहर लेके जाओ, आप देख रहे हैं कि सारे आउट हो गए हैं तो उसामा आया उसको कह रहे हैं वो भी बड़ी हिट मार रहा है वो आउट हो रहा है, मोहम्मद वसीम जूनियर आया वो रन्स कर रहा है, आप चांस नहीं ले रहे, जब आप इतना लंबा खेल जाओ तो फिर आप अपने पे चांस लो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो बड़ी हिट मारने का। जो इसी स्पिनोबॉल तो ये कुछ नहीं कर सकता, बाउंसी विकेट हो तो ये कुछ नहीं कर सकता, इसको कागज और पेपर पे जो किंग बनाते हैं उनके जाती मफादात हैं, वो रीजनल कार्ड प्ले करते हैं, देखो परसों मैंने इसे बचा लिया। ये दोनों शुरू से खेल रहे थे, रिजवान और बाबर 21 लीगल ओवर, 126 लीगल डिलीवरीज में 86 डॉट बॉल खेलने वाली टीम कैसे 250 से ऊपर का रिकॉर्ड चेस कर सकती है रन?
ये मुझे बता दे यार, कोई बर्बाद कर दिया इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को, खा गए ये दोनों मिलके, और इनके हवारी कोई बैठा हुआ है टर्की का ठरकी, कोई बैठा हुआ लंदन में पेरिस में क्रिकेट के बाप विराट कोहली पे ट्वीट, करोना विराट कोहली पे ट्वीट। अबे विराट कोहली की ग्रेवी भी नहीं है, ग्रेवी भी नहीं है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार। अबे मैंने पहले ही कहा था शनाका, तुम इसको बचाते हो, शनाका बड़ा पसंद आ रहा था, शनाका की तरह पांच छक्के ही मार लेता, और कमेंट्री में ये पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने वाले कयूमी लेजेंड और एक नया हवारी कहता क्या है, नवाज को मारना चाहिए, जो आ रहा है वो 9 ओवर बनाए, और जो बेशर्मी से ढटाई से सुबह से विकेट पर खड़ा हुआ है वो पांच खेलते रहे, ऐसा लग रहा था कि बस अपना ही खेल रहे हैं, और साथ उनका निभाने वाला कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था, और एट द एंड जो आप मैच को फिनिश नहीं कर पाए। एक टाइम पर जब आपके दो खिलाड़ी शुरू में आउट हो गए थे तो रिजवान और बाबर ने मैच को इतना स्लो कर दिया, बिल्कुल लिटाई दिया मैच को। देखो आज मैं और आप दोनों अभी हम मरी से पहुंचे, अब क्या जो हम बात कर रहे हैं कि हारिस सोहेल क्यों नंबर 4 बनता है, अब हुआ यह कि जब बाबर रिजवान खेलना शुरू हुए हैं इतना स्लो कर दिया मैच, वो गेम खत्म कर दी थी वहां पे, जब ठीक है इमाम आउट हुए आपका 4:30 पे था, वो 6:30-7 पे पहुंच गया। जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ही रह गई, और वो ये ख्वाहिश है कि बाबर आजम को जो है वो मैच फिनिश करता हुआ जो है देखना चाहते हैं, बड़े कम ही टाइम है जो बाबर आजम देखो बाबर आजम अच्छा करते हैं आज अच्छा, लेकिन मैच फिनिश करने की मैं आपको बात बताऊं, मैं ओके अरे जी के टुक टुक और टुक टुक ने और खास तौर पे टुक टुक करके सिर्फ अपने 100 के लिए खेल रहे थे, वसीम को अपने 100 सबने कुछ ना कुछ बीच में पार्टिसिपेशन करनी होती है, यही नहीं कि बस बाकी जो है वो सब बहने बन के जो है कभी मेहंदी लगा के बैट पकड़ने के लिए आ जाते हैं। आज तो इन्होंने पैरों में भी मेहंदी लगाई हुई थी हमारे, मेरे ख्याल में कोई 2 तो रन आउट हुए हैं, रन आउट से हमारी जान कब छूटेगी यार। खैर नमाज ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, कोई नाअहल किस्म के लोग होते हैं जो क्यूरेटर होंगे ना पिच के, उनको कोई आइडिया नहीं कि उस वक्त वो क्या कर रहे थे, उनको कोई आइडिया नहीं कि इस वक्त भी वो क्या कर रहे हैं, बस अल्लाह तवक्कुल ही चीज हो जाती है, हमने इस तरह करके यूं किया तो यूं हो गया, उस तरह करके यूं किया तो वो हो गया, लेकिन बातें इनसे अगर बात करो ना उनको सबका सब पूरी तरह से पता होगा कि नहीं नहीं हम पूरे टोटल कंट्रोल में थे, लेकिन कंट्रोल वंट्रोल किसी का कुछ भी नहीं होता, ये तब होता है जब आप एक नाअहल आदमी को किसी जगह के ऊपर कर देते। मैं अपने ख्याल में कोई 9,000 वीडियोज के अंदर ये बोल चुका हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि नालायक लोगों को वो हर ओहदे के ऊपर बिठा दिया रहता है, और फिर वो जब ऊपर बैठा होता है तो वो अपने से भी ज्यादा नालायक बंदे को नीचे से लेके आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैंने लायक बंदे को ले आया तो कहीं ये मेरी सीट ही ना ले जाए। हालांकि बिजनेस का उसूल ही ये होता है कि अगर आपने अपने किसी बंदे को हायर करना है तो अपने से बेहतर आदमी को ही हायर करें, तो इसीलिए हमारे जो भी जमान आउट हो रहे हैं, इमामुल हक जिसको कहते हैं खुद से विकेट देके जा रहे हैं, बाबर आजम जिसको कहते हैं ऐसा स्लो हो जाते हैं, भी रन तो उन्होंने किए हैं, मोहम्मद रिजवान एज यूजुअल जिसको कहते हैं एक मैच में चल गए उसके बाद मैच को जिसको कहते हैं लटका दिया, कोई जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, कोई एक बंदा बाबर के साथ टिक जाता हारिस सोहेल में बड़ी चले सही मैच वहीं से नीचे लगा आपका, रिजवान हमेशा ऐसे ही करता है, रिजवान की आदत है, रिजवान बाबर को भी प्रेशराइज कर देता है और मैच नीचे लगवा देता है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि अब हमारे हमसायों ने इसको कहते हैं कि 370 मारा था, तो भाई अगला श्रीलंका को देखें कहां तक गया है। दोस्तों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने मेजबान पाकिस्तानी टीम को 79 रनों से मात देकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली। इस दूसरे वनडे मैच में कराची की पिच पर न्यूजीलैंड के ओपनर डेविन कॉनवे हीरो रहे, जिन्होंने शानदार शतक जड़ा, और केन विलियमसन ने भी उनका भरपूर साथ निभाया, और मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनर डेविन कॉनवे ने अपने वनडे करियर का दूसरा शतक जड़ा, उन्होंने 92 गेंदों में 101 रनों की पारी खेली, जबकि केन विलियमसन ने 100 गेंदों पर 85 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत 49वीं ओवर के 5वें ओवर में सिमटने से पहले 261 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद नवाज ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। जवाब में उतरी पाकिस्तानी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और 9 रनों पर 2 विकेट खो दिए थे, और जिस तरह से पाकिस्तान अपनी टुक टुक अप्रोच से खेल रहा था लग ही रहा था कि न्यूजीलैंड इस मैच को आसानी से जीत जाएगा। और न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने बहुत अच्छा काम किया, इस छोटी मिचल सैंटनर इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, और रह गई खसी कसर जो बाबर और रिजवान ने अपनी टुक टुक अप्रोच से
पाकिस्तान को मैच हरवा दिया और दूसरा वनडे न्यूजीलैंड जीत गया और न्यूजीलैंड के बॉलरों ने भी अच्छी बॉलिंग की और जिसकी बदौलत पाकिस्तान ने मैच हार गया। और हमारे ऐसे वीडियो के लिए आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपको वीडियो अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।